नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मरणासन व्यक्ति को ठीक करने का एक अचूक टोटका। दोस्तों, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि घर में या आस पड़ोस या रिश्तेदारी में कहीं पर भी हमारे परिवेश में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो काफी लंबे समय से बिस्तर पर पड़ा होता है, जो बिल्कुल ही ठीक नहीं हो पाता। कई प्रकार के उपाय कर लिए जाते हैं, समस्त प्रकार की दवाइयां उसको खिला दी जाती है, इलाज कर लिया जाता है, जड़वा लिया जाता है, लेकिन उसके पश्चात भी वह व्यक्ति ठीक नहीं होता है तथा जो रोग उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है उस व्यक्ति से वह व्यक्ति लंबे समय तक ग्रसित रहता है। तो दोस्तों, उस व्यक्ति में वह जो व्यक्ति होता है वह एक तरीके से मृत्यु के आसन पर ही लेटा हुआ माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना तो जीता है और ना ही मरता है। तो दोस्तों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे, एक ऐसा टोटका बताएंगे जिस टोटके के द्वारा जो व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से ग्रसित है उस व्यक्ति को ठीक किया जा सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या प्रयोग है। दोस्तों, जो सामग्री हम आपको बता रहे हैं, सर्वप्रथम आपको इस सामग्री को एकत्रित करना है। सबसे पहले आपको राग के 7 लड्डू बनाने हैं, यानी राग को थोड़ा गीला कर लीजिए, जैसे आटा गूंदते हैं उस तरीके से आप राग को थोड़ा गूंद लें और उसके आप 7 पेड़े बना लें, 7 लड्डू बना लें। एक पुतला आपको आटे का बनाना है और उस पुतले पर आपको मरीज का नाम लिखना है जिस मरीज के लिए आप ये टोटका करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको आटे के 7 पिंड और बनाने हैं, यानी एक पिंड पर आपको व्यक्ति का नाम लिखना है, उसके अलावा आपको 7 आटे के पिंड यानी 7 आटे के गोले आपको और बनाने हैं। इसके पश्चात एक चौमुखा दीपक लेकर, यानी 4 मुंह वाला दीवा जिसमें चारों तरफ 4 बत्तियां उसमें जल सकती हैं, तो 4 मुंह वाला दिया लेकर उसमें तेल से सनी हुई 2 बत्तियों को आप क्रॉस करके रख दें ताकि उसमें 4 तरफ से उसमें ज्योति जलाई जा सके। उसके बाद उस दीपक में आप तेल डाल दें सरसों का और उसे जला दें। इसके पश्चात 7 कांच की चूड़ियां, 7 लाल मिर्च डंडी वाली, यानी जो लाल मिर्च होती है वो डंडी समेत होनी चाहिए, 1 नींबू जिस पर कोई दाग ना हो, बिल्कुल पीला नींबू होना चाहिए, फिटकरी की डली और मिट्टी का एक कुज्जा जिसे गड़वा बोल देते हैं, यह सामान आपको लेना है। अब आप सारा सामान, यानी जो आपने आटे की जो आपने प्रतिमा बनाई थी, पुतला बनाया था, 7 आटे के पेड़े बनाए थे और जो आपने चूड़ियां, मिर्च, नींबू, फिटकरी और जो मिट्टी का जो कुज्जा था और जो राख के 7 लड्डू थे, यह सारा के सारा सामान आपको एक गत्ते के डब्बे में रखना है और उस डब्बे के ऊपर आपको दीपक को जलाकर रख देना है, जो चौमुखा दीपक है वो आपको जलाकर रख देना है और इस सारे सामान को दीपक सहित आपको जो व्यक्ति है जो बिस्तर पर लेटा हुआ है काफी लंबे समय से, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है और जो बिल्कुल मरने के करीब है, जो अगर जिसका उपचार ना किया जाए तो जो मर ही जाएगा, उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 7 बार उतारना है और 7 बार उतारने के पश्चात आप बिना कुछ बोले रात्रि के समय, रात्रि को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, किसी भी समय, कोई निश्चित समय नहीं है, किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी समय आप चौराहे पर यह सारा सामान आप रखकर आ जाएं। यदि आपके घर के आसपास चौराहा ना हो या चौराहे पर भीड़ रहती हो जहां पर आप ना रख पाए, तो आप किसी एकांत स्थान पर जाएं, किसी जंगल में, किसी खेत में जाएं और वहां पर आप किसी डंडी से आप 2 लाइनें खींच दें क्रॉस करके, जिससे कि चौराहा बन जाए,
और उसको चुराह मानते हुए वहां पर आप सारा सामान रखते हैं। उसके पश्चात आप बिना पीछे मुड़े देखे हुए, यानी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आप घर वापस आ जाए। ध्यान रखना है, घर में प्रवेश करने से पहले आपको अपने मुंह को झूठा जरूर करना है, यानी आपको कुछ ना कुछ खा लेना है, पी लेना है। जब आप आएंगे तो रात्रि में कुछ आपको खाने पीने की वस्तु नहीं मिलेगी, हो सकता है कि आपको खाने पीने की वस्तु ना मिले। यदि आपको कहीं पानी मिल जाए, कोई नलका या कोई टंकी हो, तो आप पानी पी लें, अपना कुल्ला कर लें, मुंह धो लें। यदि पानी भी ना मिले तो कहीं से आप कोई पत्ता तोड़कर, पत्ता अपने मुंह में रखकर उसे खा जाए, या कहीं से कोई धूल थोड़ी सी लेकर वो आप अपनी जेब पर रख लें। यानी आपको कुल मिलाकर अपना मुंह झूठा जरूर करना है, उसके पश्चात ही आप घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश करने के पश्चात सबसे पहले आप कुल्ला करें, मुंह हाथ धोएं, उसके पश्चात ही आप किसी व्यक्ति से बात करें अथवा आप बिना बात करें आराम से सो जाएं। ध्यान रखें, जिस स्थान पर आप ये टोटका रखकर आएंगे उस स्थान पर किसी व्यक्ति का पैर ना पड़े, क्योंकि यदि उस टोटके पर किसी व्यक्ति का पैर पड़ जाता है तो वह जो बीमारी है वह हो सकता है उस व्यक्ति के ऊपर आ जाए। तो हमें अपना तो भला करना है, लेकिन हमें किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं करना है। तो ऐसा ना हो कि हमारी बीमारी उतरे और किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाए, तो ऐसा पाप हमें नहीं करना है। तो इसलिए इस टोटके को ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर किसी व्यक्ति का पैर ना लगे और वह टोटका समय के साथ साथ अपना भी क्षतग्रस्त हो जाए। तो दोस्तों, यदि आप ये प्रयोग करेंगे, ये टोटका करेंगे, तो दोस्तों निश्चित रूप से जो मरणासन्न व्यक्ति है उसकी जो बीमारी है, उसकी जो समस्या है, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली टोटका है, इसको आप जरूर करें और औरों को भी जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।